हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दीदी थी माहिरा जो है यहाँ पर खेल रही है और जक्कान जो है वो आ चुका है। जक्कान जो है वो पढ़ने के लिए आया है। आज उसने स्कूल की छुट्टी की है और स्कूल की छुट्टी के बाद उसने सोचा चलो खाला के यहाँ पर चलते हैं पढ़ने, क्योंकि स्कूल की तो छुट्टी ही थी। और यहाँ देखें मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो है अपने कपड़े सी रही हूँ। तो कपड़े जो हैं ये देखिए, जो है गोल्डन कलर का सूट है, इसका गला है, मैं सिलने के बाद आपको पूरा दिखाऊंगी। फिलहाल मैं सी रही हूँ इसको। ये गाइस, में जो है मायरा को चला रही थी थोड़ा सा, तो मायरा ने मुझे बहुत एंजॉय कराया अपने साथ। चल के खड़ी हो जाती है और हाथ पकड़ के चल भी लेती है। मायरा पूरी 9 मंथ की हो गई है और मायरा देखिए कैसे एंजॉय कर रही है अपनी नानी के घर। माहिरा इधर आओ, माही आ जाओ मम्मा के पास। तभी नानी के आ जाती है ना तो ऐसे ही खेलती रहती है और इन्जॉय करती है दोनों। माही आओ, हाथ पकड़ो मम्मा का, खड़े होके दिखा दो सबको जल्दी से। नहीं होगी इनाया, अपनी कॉपी ले लो, फाड़ देगी वरना बीबी। इनाया की कॉपी इसमें काम करती है, इसकी नानी पढ़ाती है जब ये आती है यहाँ पर इसको। और इनाया ने सुबह के से अब तक खाना नहीं खाया, सो गई थी, इसके लिए खाना दोबारा बन रहा है। सब खा चुके थे खाना तो अब इसके लिए बन रहा है खाना, इसके लिए राइस बन रहा है, इसको राइस बहुत पसंद है। माही इधर आओ, माही ओ इसको टेबलेट मिल गई, अच्छा खा ली है तो। माहिरा इधर आओ। तो पता है इनाया जो है 5.5 साल की हो चुकी है और इनाया भी चल नहीं पाती है, तो इनाया को मेरी अम्मी यहाँ पे आती हूँ मैं अपने मैके में तो पढ़ा देती हैं इसको। उन्होंने स्टार्ट कर दिया इसको पढ़ाना। तो ये देखिए इनाया को अम्मी ने इसे दिया था काम ताकि इस पर हाथ फेरे, तो इनाया ने क्या कीड़े मकोड़े बना रखे हैं। ये ऐसे ही बनाती है पेन से, इससे काम नहीं होता है तो ये ऐसे ही बना देती है, लाइन से खींच देती है। तो ये देखें ये काम दिया हुआ है, इस पर कैसे लाइन फिर रखी ना। इस देखिए हमने जो है हलवा पराठा खा लिया था, फिर इसके बाद में इन दोनों बच्चों को तैयार करने के लिए चली गई नहलाने। और यहाँ पर मायरा को मैंने फ्रॉक पहना दी है, ये अम्मी ने सी है हमारी, मैंने बताया था आपको मैं अपने लड़के आई हुई हूँ, तो ये बहुत अच्छी लग रही है। इसको पहन करके मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी अभी जब मैं कर पहना दूंगी। और इनाया जो है इनाया भी रेडी हो चुकी है, इनाया को मैंने ऐसे कपड़े पहनाए हैं आज, दोनों ने कलर सेम पहना है कपड़ों का। और माहिरा देखिए, माहिरा को मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कितनी बदतमीजी बद रही हुई है, ये देख रहे आप। देखिए माही दिखा दो सबको डांस स्किल की। और ये देखिए गोली कितनी अच्छी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। और ये डांस कर रही है, ये डांस हो रहा है मायरा का। नानी ने कपड़े चाहिए छोटे छोटे से, नानी ने चाहिए। देखिए कितनी प्यारी लग रही है मायरा, मायरा जो है बहुत अच्छी लग रही है इन कपड़ों को पहन करके। यहाँ पर जो है हमने हलवा पराठा मंगाया है, तो ये हलवा पराठा जो है हमने इसको कटोरियों में कर लिया है सबके लिए, सबके लिए लगा दिया है और सब आराम से खा लेंगे, जहाँ जहाँ पर बैठे हैं वहीं दे देंगे सबको। और यहाँ का जो हलवा पराठा है बहुत अच्छा बनता है, ये गाड़ी में बेचने के लिए आते हैं, बस तब हम इसको इंजॉय करते हैं। मैंने जो है कपड़े सी लिए थे, और आज शाम का टाइम और मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ जो है मम्मी सीख के कबाब बना रही है। तो ये सीख के कबाब का मिश्रण तैयार किया हुआ है, और ये देखिए यहाँ पर सीख रहे हैं सीख के कबाब, बहुत टेस्टी बनते हैं ये कबाब। और ये फिर बस देखती जा रही हैं, और ये मम्मी ने थोड़े से बनाकर भी रखी है। और ये जो है सैलेड भी तैयार कर ली है मैंने हमने, और इसके साथ चटनी बन रही है। और ये कबाब है देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, देखने में भी खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं ये। और ये तवे पर बन रहे हैं हम, इसी तरह नॉन स्टिक तवे पर बनाते हैं इनको इस तरीके से। इस तरीके से सारे कबाब बनते जाते हैं और बन जाते हैं। आटा इसके अंदर गूंद के तैयार हो गया है, और अब रोटियां बनेंगी और चटनी तैयार हो गई है, और अब हम शाम का डिनर करेंगे।